जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विजयपथ एजुकेशन पालमपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं लेकर आया हूँ हिमाचल की जल विद्युत परियोजनाएं। किसी भी तैयारी के लिए, चाहे वो पुलिस की तैयारी करे, चाहे एचआरटीसी की तैयारी करे, चाहे किसी भी आईटीबीपी बीएसएफ की, किसी भी प्रकार की तैयारी के लिए जो है विजयपथ एजुकेशन के नोट्स जो है वो आपके घर द्वार पर पहुंचाए जाएंगे। आप हमारे साथ फ्लैश दिए हुए नंबर्स पर जो है आप कॉन्टेक्ट करिए, हम आपको जो है ये नोट्स प्रोवाइड करेंगे। अभी जो है जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में हम स्टडी करेंगे, जो कि जल विद्युत से जुड़ी हुई क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले आया है हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में। जो हिमाचल प्रदेश है इसके संसाधन जो है वो बहुत ज्यादा समृद्ध हैं। हम बहुत ज्यादा समृद्ध हैं हिमाचलवासी, जो कि जिनके पास पानी का जो है वो बहुयात मिलता है, ठीक है। और हमारे यहाँ पे जो कुल क्षमता है वो 25%, भारत की कुल क्षमता का 25% हिस्सा जो है वो हमारे ही राज्य यानी कि इसी हिमाचल प्रदेश के से जो है वो दिया जाता है, यानी कि बिजली हम जो है आवंटित करते हैं। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक जल संसाधनों के दोहन के लिए आर्थिक स्थिति को बेहतर सुधार लाया जाए जा सकता है। तो हिमाचल प्रदेश में 12 मासी घाटियों के ऊपर विभिन्न प्रकार की जो है विद्युत परियोजनाओं को जो है वो शुरू किया गया है। 12 मासी मतलब 12 महीने तक जो नदियां या घाटियों में जो है खड्डे बहती हैं, उन खड्डों में जो है ये हमारी परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं, उनका निर्माण हो चुका है। 27,436 मेगावाट तक की पन बिजली जो है वो पैदा हो सकती है हमारे यहाँ पर, जिसका दोहन चल रहा है। पन बिजली क्षमता जो है वो हमारी 10,519 मेगावाट का दोहन अभी तक किया जा रहा है, यानी कि 10,519 तक की जो है हम क्षमता रखते हैं जो बिजली को बनाने की, मगर 27,000 तक हम बना सकते हैं, ये इसकी मतलब पूरी माना गया है। जिसमें से केवल 7.6% हिमाचल प्रदेश सरकार के नियंत्रण में है, यानी कि जितनी हम ये बनाते हैं इसका 7% हिस्सा जो है वो हिमाचल सरकार के हाथ में है और सारा का सारा जो है वो केंद्र सरकार के पास जाता है। राज्य सरकार इसके लिए जो है सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है, क्योंकि पंच बिजली जो उत्पादन है उससे हम उद्योग, कृषि, ग्रामीण विद्युतकरण के लिए जो है बिजली का की बड़ी मतलब आवश्यकता जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो उसको पूरा किया जा सके, ठीक है। तो इसी प्रकार से आगे चलते हैं। आगे है ये राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत है, यानी कि हमारे हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल में जो है ये आय का सबसे बड़ा स्रोत है पानी, यानी कि पन बिजली बिजली का उत्पादन करता है, ये अन्य राज्यों को भी बिजली प्रदान करता है। हिमाचल में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुर मात्रा है। हिमाचल प्रदेश में बहने वाली टोटल कितनी नदियां हैं? 5 नदियां हैं हिमाचल प्रदेश में, जिसकी विद्युत क्षमता है। देश में 3 मुख्य स्रोत हैं जो कि ऊष्मा है, परमाणु है और जल है। देखिए, ऊष्मा यानी कि सोलर, परमाणु एटॉमिक और पानी, 3 जल विद्युत परियोजनाओं के ही हमारे मुख्य स्रोत हैं जो कि भारत वर्ष के लिए हैं। प्रदेश में बहने वाली 5 नदियां जो हैं और उनकी सहायक नदियां हिमाचल की बहुमूल्य संपदा है, जिससे जल और अन्य प्राकृतिक सुविधाओं के लिए अतिरिक्त जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रदेश ही नहीं सारे देश को ढांचे को जो है वो बदला जा सकता है। विद्युत उत्पादन उद्योग में उद्योगों तथा दैनिक जीवन की क्रियाओं को लिए वो बहुत ही जरूरी है, और हिमाचल की नदियों का रास्ता जो है पहाड़ी होने के कारण जो है वो ऑटोमेटिक यानी कि ढलानदार भी है। तो इसमें जल विद्युत का मुख्य माध्यम जो है वो लघु यानी कि छोटे छोटे इस प्रकार की परियोजना बनाई जा रही है, और हिमाचल में जो है वो 21,000 मेगावाट की क्षमता का जो है वो विद्यमान किया जा रहा है कि वो बनाए जाए। इसी प्रकार से हम आगे चलेंगे। देश की 20% विद्युत उत्पादन क्षमता जो है वो हिमाचल प्रदेश के पास ही है। 1950-51 में जो है वो हम 3,580 मेगावाट पन बिजली जो है विद्युत उत्पादन करते थे। 1998-99 में हम 200
99 तक पहुंच गए थे मेगावाट जल विद्युत परियोजना उत्पादन प्रदेश को हो रहा था, जो कि सबसे बड़ी तीव्र वृद्धि हो रही थी। इसमें गिरी, बिनवा, बस्सी, आंध्रा, भावा, रोंगटोंग, चमेरा, लाची, पार्वती, नाथपा, झापड़ी आदि ये सभी परियोजनाएं हैं। तो आज हम इन सभी परियोजनाओं के बारे में विश्लेषण करेंगे वन बाय वन, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश की जो है जितनी भी ये दोहन हो रहा है, इसमें हमारा जो निजी क्षेत्रों का भी और संयुक्त केंद्र सरकार राज्य सरकार का भी आपस में क्या है, सहयोग है हमारे साथ, जो कि मतलब ये साथ साथ में चला रहे हैं। अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात की जाए तो हिस्ट्री बहुत अच्छी है। हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत का गठन 1 सितंबर 1971 से शुरू हुआ था, जो कि विद्युत आपूर्ति निगम 1948 के प्रावधानों में किया गया है। अगर मैं ये बात करूं कि हिमाचल प्रदेश का जो स्टार्टिंग की गई थी तो 1960 में चंबा रियासत में ये स्टार्टिंग हुई थी, राजा भूरी सिंह ने, जिनके नाम पर संग्रहालय भी चंबा में, भूरी सिंह संग्रहालय, तो उन्होंने सबसे पहले जल विद्युत परियोजना जो है वो शुरुआत करवाई थी, निर्माण करवाया था 1912 में शिमला के समीप चंबा के विद्युत उत्पादन आरंभ हुआ था। शानन विद्युत परियोजना करीब 96 साल पुरानी है, जो शानन विद्युत परियोजना है वो 96 साल पुरानी है। 1925 में इसे तत्कालीन पंजाब सरकार के इंजीनियर कर्नल बीसी बैगली द्वारा जो है ये बनाया गया था। इस वक्त पंजाब और मंडी के राजा के बीच जो है वो संचालन के लिए 99 वर्षों की जो है वो लीज का भी करार हुआ है कि लीज पर जो है वो प्रॉपर्टी चलती रहती है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं, शानन बस्सी जो हमारी शानन परियोजना है, ठीक है, ये विद्युत परियोजना 10 मार्च 1933 को भारत के तत्कालीन वायसराय और गवर्नर वॉलिंगटन ने जनता को ये दिया गया था। तो शानन विद्युत परियोजना जो है वो कब दी गई थी और कब शुरू हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1966 में पंजाब के पूर्ण गठन के दौरान पंजाब सरकार ने इसे हिमाचल सरकार को देने का से इनकार कर दिया था। इससे पहली बार जो है 1932 में शुरुआत में कमीशन किया गया और वर्तमान में 110 मेगावाट 48 मेगावाट के चरण के साथ साथ अलग अलग चरणों में जो है इसको पेश किया गया। और 1925 में ब्रिटिश सरकार के दौरान इसका निर्माण मंडी के राजा के द्वारा जो है वो राजा कौन था, जोगिंदर सिंह था, और ब्रिटिश कर्नल जो थे बीसी बैटी के बीच जो है 99 साल के लिए पट्टे के ऊपर यानी कि लीज के ऊपर जो है वो दे दिया गया। इसी प्रकार से बिजली घर का निर्माण जो है देवदार के जंगलों के बीच के पृष्ठ के खिलाफ दिया गया, इसलिए 4 सालों की जो है ढुलाई रेल नियंत्रण जोगिंदर नगर से शुरू की गई होकर पुल के किनारे एक कप के आकार के एक गांव बरोड तक था, यानी कि ब्रोड तक ये जाती थी। इसीलिए आपने देखा होगा कि एक मतलब आपकी रेल लाइन बनाई हुई है तो ब्रोड तक बनाई हुई है, जो कि जोगिंदर नगर से जो है वो ब्रोड तक जाती है। नदी के टेल वाटर का उपयोग करके सरकार द्वारा 2 बिजली परियोजनाओं के लिए बनाया जा रहा है। इसी प्रकार से आगे की तरफ चलते हैं, तो ये आपूर्ति के लिए है, हमारी कितनी आपूर्ति हुई है, तो 500 विद्युत आपूर्ति की अगर हम बात करें, विद्युत आपूर्ति की बात करें तो 550 केवी थी 1948 में कुल हमारी जो उत्पादन हुआ था। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1988 में इसको 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य लेकर चले थे। लाहौल स्पीति के किब्बर गांव में बिजली प्राप्त करने के लिए सबसे ऊंचा गांव है, यानी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किब्बर गांव कहां पर है, दूसरा बिजली प्राप्त करने वाला सबसे ऊंचा गांव कौन सा है, तो ये किब्बर आएगा, लाहौल स्पीति में है। हिमाचल प्रदेश के विद्युतकरण नियामक आयोग का गठन कब हुआ है, तो 2001 में हुआ है। और 2010 में राज्य सरकार ने विद्युत बोर्ड ने 3 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया है, पन विद्युत उत्पादन, पन विद्युत संचार और पन विद्युत वितरण, अलग अलग भागों में इसको डिवाइड किया है। तो आप इस के नोट्स लेना चाहें तो आप हमारे साथ जो है हमारे
चैनल में जुड़िए हमारे साथ या व्हाट्सएप करिए, हम आपको जो है इसको प्रोवाइड करवाएंगे। अब सबसे पहले हमारी आ रही है विद्युत परियोजना है। तो विद्युत परियोजनाओं में सबसे पहले हमारा आ रहा है, कौन सी परियोजना आ रही है? संजय विद्युत परियोजना। कौन सी है? संजय विद्युत परियोजना। ये हिमाचल सरकार की अपनी परियोजना है। ये परियोजना क्या है, अब इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। ये परियोजना संजय विद्युत परियोजना किन्नौर के पुरी नामक गांव की भावाखड़, जो कि सतलुज की सहायक है, यानी कि भावाखड़ जो है वो सतलुज की क्या है, सहायक नदी है, उसके ऊपर ये बनाई गई है। इसे तीन भागों यानी कि तीन इकाइयों में अलग अलग में डिवाइड किया है। 40 मेगावाट की अलग बनाती है, 120 की मेगावाट की अलग से बना रही है, और लगभग 125 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्चा आया है। भावाखड़ जो है वो पानी पानी को 5.7 यानी कि लंबी किलोमीटर जो है वो परियोजना खट कर बनाया गया है, और 2.5 मीटर जो है व्यास वाले सुरंग से गुजार कर जो है उसके शाफ्ट के ऊपर जो है वो पानी जो है वो डालकर 1410 मीटर लंबी लोहे की शाफ्ट बनी है उसके ऊपर फेंका गया है और पावर हाउस में डाला गया है। ये परियोजना जो है 1989 में पूर्ण हो चुकी है और पहली ये एशिया की भूमिगत परियोजना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है कि एशिया की भूमिगत परियोजना जो है वो कहां है और कौन सी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा आंध्रा हाइड्रल परियोजना, जो कि 16.95 मेगावाट की है, जो कि आंध्रा है के नाम से, परियोजना के नाम से शिमला जिले के रोडू में स्थित है, और रोडू में कहां पे है, ये चढ़गांव, ठीक है। और आंध्रा जो है ये पब्बर की सहायक नदी है, पब्बर नदी का नाम है जिसकी ये सहायक नदी है, ठीक है। इसमें 5.65 मेगावाट की जो इकाइयां बनाई गई है, अलग 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 प्रकार से जो है खर्चे किए गए हैं, तो देख सकते हैं इसके ऊपर 9.94 करोड़ रुपया जो है हिमाचल सरकार द्वारा जो है प्रायोजित की हुई है, और उन्होंने परियोजना जो है बनाई है तो उन्होंने इतना खर्चा किया था। ऐसे रॉन्ग टॉन्ग परियोजना कहाँ पे है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल सबॉर्डिनेट की बात करें या एचपी पीएससी की आने वाले क्वेश्चन है। लाहौल स्पीति की सहायक जो है वो रॉन्ग टॉन्ग नाले से बिजली तैयार करने हेतु जो है व्यवस्थित की गई है। इस परियोजना में 2 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। दिसंबर 1986 में ये चालू की गई थी। अनुमानित है कि 2.82 करोड़ रुपया इस पर खर्च आया है। समुद्र तल से अगर बात करें तो 3,660 जो है मीटर ये ऊंचाई पर स्थित है। इसके बाद आ जाती है आपकी बिनवा विद्युत परियोजना, जो कि बैजनाथ जिले, जो कांगड़ा के बैजनाथ जिले में है, और ये की बानू और परई खड्डों में को जोड़कर बनाया गया है। इसके ऊपर 12.82 करोड़ रुपए का जो है वो लागत आई है। इसी प्रकार से बनेर जल विद्युत परियोजना है, ये धर्मशाला में है, बनेर खड के ऊपर ही बनाई गई है, और इससे 12.5 मेगावाट बिजली जो है वो बना मतलब पैदा की जा रही है। और ये परियोजना जो है वो सन 1996 में शुरू हुई थी। कब हुई थी? सन 1996 में। गज जल विद्युत परियोजना, ये कांगड़ा जिले के शाहपुर में है, जो कि गज और लियोना, क्या बोल रहा हूं मैं, गज और लियोना खड्डों के बीच में बनाई गई है, और ये 10 मेगावाट की है, और साथ में 1996 में इसको चालू किया था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये परियोजनाएं कैसी लग रही है, जरूर इनको एक बार सुनिए, ध्यान से सुनिए, बार बार सुनिए। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं नोट्स बनाइए आप, क्योंकि ये नोट्स ही आपके काम में आएंगे भैया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं थ्योट जल विद्युत परियोजना। जो थ्योट जल विद्युत परियोजना है ये लाहौल स्पीति में चिनाब नदी के जो सहायक नाला है, थ्योट के नाम से ही है, नाले का नाम है थ्योट, ठीक है, उस पे बनाई गई है, और 12.5 मेगावाट बिजली उत्पादन करती है। 34 करोड़ रुपया इसके ऊपर लगाया गया है, और 1995 में ये जो है वो शुरू हुई थी, 15 अक्टूबर 1995 को शुरू हुई है थ्योट जल विद्युत परियोजना।
नेक्स्ट आ जाती है लार्जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है लार्जी विद्युत परियोजना। ये जो है कुल्लू जिले के लार्जी नामक स्थान है, ब्यास नदी पर बनाई गई है, 126 मेगावाट पैदा की जा रही है बिजली, जो कि 43 मीटर ऊंचा बांध बनाया है, बांध से ऊपर से पानी फेंका गया है, 662 करोड़ रुपया लगाया गया है। सितंबर 2007 में ये पूरी हुई थी, बनाई गई, और 2014 में जो है इसको आंध्र प्रदेश के इंजीनियरों के यहां पर जो है 24 छात्र भी, अगर आपको याद रहा हो तो, वो आए थे और वो नहाने घुस गए और वहां से उसका पानी छोड़ा लालजी से डैम से और वो बह गए थे और उनको उनकी मौत हो गई थी यहाँ पे कुल्लू के पास में, ठीक है। तो हिमाचल विद्युत बोर्ड जो है वो उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं, कोल डैम, कोल डैम जो है वो मंडी और बिलासपुर जिले की सीमा पर बना है, जिसमें बरमाना नामक स्थान है, बरमाना जो है जगह का नाम है, 800 मेगावाट की बिजली पैदा की जाती है और ये सतलुज नदी के लिंक प्रोजेक्ट देहर पावर पॉइंट के ऊपर है और कोल नामक स्थान पर बनाई गई है, इसीलिए कोल डैम परियोजना कहते हैं इसे, ठीक है। तो लंबी लंबी सुरंगों से इसको गुजार कर गिराया गया है और इसकी जो सहयोग है ये जरूर आपको पढ़ना चाहिए, नेशनल थर्मल, यहां से नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट आता है नागपा झापड़ी परियोजना, हिमाचल की बहुत इंपॉर्टेंट नागपा झापड़ी परियोजना भी है। ये परियोजना जिला के नौर में है, जो कि 1500 मेगावाट की है। ये परियोजना नागपा झापड़ी सतलुज नदी पर डैम लगाकर जो है स्थापित किया गया है और ये एशिया की सबसे बड़ी परियोजना है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, एशिया की जो है सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, तो नागपा झापड़ी परियोजना है, ठीक है। ये किन्नौर के बांगतू में 4.5 किलोमीटर ठीक नीचे नागपा नामक स्थान है, वहां पर बनाई गई है, तो इसको आप लर्न कर सकेंगे। और इसी के ये है, इसमें भूमिगत बनाई गई थी 2021 में, इसका उत्पादन जो है वो 17 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है, जो कि बनाई गई है और संयुक्त परियोजना है, तो इसको भी आप माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट आता है कड़छम बांगतू परियोजना, क्या चीज है कड़छम बांगतू परियोजना, तो इस परियोजना को कड़छम बांगतू परियोजना क्यों बोला जाता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले है ये सतलुज नदी पर है को मोड़ करना है, यानी कि सतलुज नदी जिस साइड को जा रही है उस पर डायरेक्शन भी बदल दी गई है। 15.5 किलोमीटर लंबी सुरंग से ले जाकर 280 मीटर बांगतू नव, ये देख सकते हैं बांगतू में भूमिगत पावर हाउस यानी कि अंडरग्राउंड बनाया गया है, 1000 मेगावाट बिजली पैदा की जाती है, तो ये आप याद रख सकते हैं 7000 करोड़ रुपया इस पे खर्च जो है लागत आई है। बासपा जल विद्युत परियोजना ये किन्नौर में ही है, सतलुज नदी की सहायक नदी बासपा है तो उसपे ही बनाई गई है और इसको भी दो चरणों में बनाया गया है, इसमें 300 जो है मेगावाट जो है वो बिजली पैदा की जा रही है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आ जाता है आपका पार्वती जल विद्युत परियोजना, 2053 तक जो है मेगावाट जो है जल विद्युत परियोजना सबसे हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना बन चुकी है ये, क्योंकि 2053 मेगावाट जो है वो कोई भी नहीं बनाती है पार्वती के अलावा, और ये NHPC के द्वारा जो है वो बनाई जा रही है और इसमें जो है 5 राज्यों का सहयोग है, एक हिमाचल आ गया, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा का सहयोग है और सबसे अधिक जो लाभ उठा रहा है वो है राजस्थान, ठीक है। तो ये आपको लर्न रखनी चाहिए, तो 2050 तक ये बिजली जो है उसका उत्पादन है, तो ये याद रखिएगा। अगला आ जाता है चमेरा हाइड्रो पावर स्टेशन, ठीक है, क्या रहता है चमेरा हाइड्रो पावर स्टेशन, जो कि खैरी नामक चंबा के बनीखेत से ही साथ में रहता है रास्ता, तो वो चंबा के रख नामक गांव है, वहां पे ये हाइड्रो पावर स्टेशन बना हुआ है और 22 किलोमीटर सुरंग से किलोमीटर से की सुरंग है बीचों बीच पहाड़ के बीच से, उससे ले जाकर वो पानी गिराया गया है और 231 अलग अलग है ये इसके मेगावाट, टोटल जो क्षमता है वो है इसकी कितनी हुई
540 पहले चरण की है, दूसरे की 300 है और ये है, ये अलग अलग चरणों में बनाई गई है टोटल, ठीक है। और गिरी परियोजना है, ये परियोजना 60 मेगावाट की है सिरमौर में, और जो कि गिरी नदी पर ही है इसलिए इसको गिरी परियोजना भी कहते हैं। और 1964 में बनाई गई थी, 66 से जो है ये स्टार्ट हो गई है, हिमाचल सरकार द्वारा बनाई गई सबसे पहली परियोजना थी गिरी विद्युत परियोजना। ये याद रखने वाला क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये थे आपके परियोजनाओं से जुड़े हुए क्वेश्चन। तो आपको कैसे लगे ये क्वेश्चन जरूर बताइएगा, कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।